अधिक रात्रि हो गई है, आप सब भी काफ़ी देर से इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में बैठे हैं। अब आज के अगला कार्यक्रम को भी मैं देख ले रहा हूँ, विशेष कितने कार्यक्रम बचे हैं। तो अब शेष दो प्रश्न बच गया है, थोड़ी देर और भी, दो चार मिनट प्रतीक्षा करें आप लोग। प्रश्न आया है बिहार समस्तीपुर से राजू गुप्ता जी का। बिहार समस्तीपुर से राजू गुप्ता जी ने प्रश्न किया है कि सर, मैंने सपने में सांढ़ को गुस्से में देखा जो मेरी ओर घूर रहा था, इसका मतलब क्या हुआ? राजू गुप्ता जी ने सपने में सांढ़ को देखा जो गुस्सा में था, उनकी ओर घूर रहा था। तो राजू गुप्ता जी, आप गौर करें कि सपने में सांढ़ देखना अच्छा नहीं माना जाता है। विद्वानों का कहना है, ऋषियों का भी कहना है कि जो भी व्यक्ति सपने में सांढ़ देखते हैं उनके ऊपर भारी संकट आता है। इसमें दो बात पर आपको गौर करना होगा कि सांढ़ केवल गुस्से में घूर कर आपको देख रहा था या पांव से भूमि को कुरेद भी रहा था। यदि भूमि को कुरेद रहा हो अपने खुर से तो ये विशेष हानिकारक होता है, और यदि केवल घूर कर देख रहा है तो वो इस बात का सूचना दे रहा है, स्वप्न आपको सूचना दे रहा है कि आप किसी उग्र देवता की पूजन में जो लगे हैं वहाँ आपसे भूल हो रही है। उग्र देवता का मतलब क्या हुआ? जो जल्दी गुस्सा में आ जाते हैं ऐसे देवता, जैसे शिव हो गए, हनुमान हो गए, दुर्गा, काली इत्यादि इत्यादि जो उग्र देवता होते हैं, इनकी पूजा विधिवत नहीं चल रही है, पूजन में कमी हो रही है, और साथ में मित्रों से धोखा हो सकता है। अंधविश्वास न करें, यह संकेत हो रहा है कि आपको निकट भविष्य में भारी दुख उठाना पड़ सकता है। तो शांति के लिए आप भगवान शिव का शरण लें और उनका पूजन जप तप जिस प्रकार से आपको बनता है वो आप कर लेंगे, प्रभु आपका कल्याण करेंगे। सपने में सांढ़ देखना ठीक नहीं माना जाता है, किंतु यदि देवी कृपा को आपने प्राप्त किया है तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। सपने में बैल देखना ठीक है पर सांढ़ देखना ठीक नहीं है। तो आपके प्रश्न का उत्तर यही हुआ, स्वप्न को ठीक नहीं माना जाता है, फिर भी शिव शरण में जाएं, प्रभु आपका कल्याण करेंगे। आइए अब अगले प्रश्न पर विचार किया जाता है। अगला प्रश्न है,